सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल अमेठी में सपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल होगी और महिलाओं को 1,500 रूपये महीने की पेंशन मिलेगी। उन्होंने कहा कि गरीबों की साइकिल है, नौजवानों की साइकिल है, ये चुनाव बदहाली से खुशहाली की ओर ले जाने का चुनाव है। के साथ भेदभाव हुआ है, समाजवादी सरकार बनेगी तो 69,000 बालों को भी हम नौकरी देकर के उनका सम्मान करने का काम करेंगे। समाजवादी सरकार आएगी और गर्मी निकालने वालों को कहना चाहते हैं तो फौज में और पुलिस में नौकरी निकाल करके इनकी मदद करने का काम करेंगे। नौजवानों की मदद करेंगे। अमेठी जनपद की चारों सीटें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका यहां के सारे विधायक निभाएंगे।